सैमसंग ने दो स्मार्टफोन्स इंडिया में लॉन्च कर दिया है गैलेक्सी एम सीरीज के। एक है सैमसंग गैलेक्सी M10 और ये है सैमसंग गैलेक्सी M20। इस वीडियो में मैं M20 की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं, आपको इस हैंडसेट के खास फीचर्स और परफॉर्मेंस के बारे में बताऊंगा और साथ में पबजी गेम भी खेल के बताऊंगा। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, इसलिए देखते रहिए। नमस्कार दोस्ती, M20 जो गैलेक्सी M10 से बेहतर ऑप्शन है, इस प्रकार की बॉक्स पैकिंग है। ये हैंडसेट भी इंडिया में लॉन्च हो चुका है और इस हैंडसेट में भी पहली बार आपको इंडियन सिम कार्ड का उपयोग करना पड़ेगा 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद में आप इंटरनेशनल सिम कार्ड भी इस पर उपयोग कर पाएंगे। जो स्पेसिफिकेशंस है डिटेल्स में बॉक्स के पीछे दिया हुआ है। डुअल कैमरास के साथ में आता है और सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें 5000 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी है और ये एक्सिनोस 7904 ऑक्टाकोर पावर्ड है। थोड़ा सा अलग प्रोसेसर है अगर आप इसे गैलेक्सी M10 से कंपेयर करेंगे तो। इसमें 4GB रैम है, 64GB इंटरनल स्टोरेज स्पेस है, 13390 MRP प्राइस है, लेकिन इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो मैंने वीडियो के टाइटल में दिया हुआ है, आपने शायद देख लिया होगा। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। वैसे सैमसंग ने दो हैंडसेट्स लॉन्च किए हैं, गैलेक्सी M10 और M20, और ये दोनों ही हैंडसेट्स के जो बॉक्स पैकिंग है उसमें आपको जो ईयरफोन्स है वो नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से पैकिंग की गई है और इस डिब्बे के अंदर आपको कुछ चीज़ें मिलती हैं। आपको एक तो क्विक स्टार्ट गाइड मिलता है जिसमें आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिल जाएगी, रीजनल लॉक वारंटी इन्फॉर्मेशन, और ये है गैलेक्सी M20 जो हूबहू गैलेक्सी M10 की तरह दिखता है लेकिन थोड़ा सा भारी है और एक्स्ट्रा फीचर्स है। ये है सिम ट्रे इजेक्टर पिन और ये है डेटा केबल। ये USB to USB टाइप सी डेटा केबल है। देख सकते हैं कि ये जो हैंडसेट है M20 ये USB टाइप सी पोर्ट का उपयोग कर रहा है। और जो आखिरी कंटेंट रह गया है बॉक्स के अंदर वो है ये ट्रेवल चार्जर। ये एक फास्ट चार्जर है, मैक्सिमम 9 वोल्ट्स 1.67 एम्पियर्स। तो ये है गैलेक्सी M20 जिसकी बॉडी भी प्लास्टिक की बनी हुई है, ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ में आता है। बिल्ड और फिनिशिंग काफ़ी बढ़िया है और देख सकते हैं कि इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है पीछे की तरफ। ये देखिए कर्वी डिज़ाइन है, जो डुअल कैमरास है पीछे की तरफ उसका जो मॉड्यूल है काफ़ी अंदर की तरफ है, यहाँ से आपको बेहतर आइडिया मिल जाएगा। ये देखिए तो डिज़ाइन के मामले में ये एकदम M10 की तरह ही है लेकिन थोड़ा सा भारी है। तो इस हैंडसेट का लुक अच्छा है, फील अच्छा है और काफ़ी कंफर्टेबल है क्योंकि देख सकते हैं कि जो साइड्स है वहाँ पर बहुत ही बढ़िया कर्व दिया हुआ है जिससे आपको अच्छा ग्रिप भी मिल जाता है। पावर बटन, वॉल्यूम रॉकर्स राइट हैंड साइड पर है, ऊपर सेकेंडरी माइक्रोफोन है, लेफ्ट हैंड साइड पर सिम ट्रे है और नीचे की तरफ स्पीकर आउटवेंट है, माइक्रोफोन है, USB टाइप सी पोर्ट है और ऑडियो जैक है। जो सिम ट्रे है उसे मैं इजेक्ट कर लेता हूं और अच्छी बात यह है कि यहां पर भी आपको ट्रिपल स्लॉट्स मिलते हैं, मतलब कि आप दो नैनो सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड का एक साथ इस हैंडसेट पर उपयोग कर पाएंगे और ये डुअल वोल्टी भी सपोर्ट करता है। तो इसे मैंने स्विच ऑन कर दिया है। इसका जो स्क्रीन है इस पर 2.5D कर्व्ड ग्लास है। M20 में फिंगरप्रिंट सेंसर है पीछे की तरफ और ये फेस अनलॉक भी सपोर्ट करता है। और ये देखिए मैं सेटिंग्स में जाता हूँ तो यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। इस पर भी ड्यू ड्रॉप या वाटर ड्रॉप नॉच है जिसमें कैमरा है, ये देखिए, और जो इन कॉल स्पीकर है वो कैमरा के थोड़ा सा ऊपर है। इस हैंडसेट पर भी नए UI का उपयोग किया गया है जो आपको एक अलग ही लुक और फील देता है और जो डिफॉल्ट वॉलपेपर है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी प्रीमियम किस्म का है। जो फिंगरप्रिंट सेंसर है पीछे की तरफ ये फास्ट और एक्यूरेट है। ये देखिए टैप करते ही ऑलमोस्ट इंस्टेंटली जो स्क्रीन है ऑन हो जाता है। ये देखिए फेस अनलॉक भी है जो काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो जो ड्यू ड्रॉप नॉच है वहाँ पर आपको एक एनिमेशन दिखाई देगा जब आप फेस अनलॉक का उपयोग करते हैं। तो इस हैंडसेट में भी आपको मल्टी विंडो ऑप्शन मिलता है और डुअल मैसेंजर का ऑप्शन है, मतलब कि यहाँ पर आप दो फेसबुक के अकाउंट या फिर दो व्हाट्सएप के अकाउंट का उपयोग कर सकते हैं, ये ऑप्शन अवेलेबल है। अगर सेंसर्स की बात करें तो गैलेक्सी M20 में आपको वो सारे सेंसर्स मिलते हैं जो आपको एक प्रीमियम स्मार्टफोन में मिलते हैं, मतलब कि जायरो सेंसर और जो मैग्नेटिक सेंसर है वो भी आपको मिलता है इसमें। चलिए अब कैमरा की बात करते हैं। रियर साइड पर 13 मेगापिक्सल का f1.9 अपर्चर का कैमरा है और साथ में 5 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है और फ्रंट साइड पर आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। यहाँ पर भी आपको वही सारे ऑप्शंस मिलते हैं जो आपको गैलेक्सी M10 में मिलता है। और यहाँ पर देखिए वाइड जो एंगल शॉट्स है उनके लिए बटन दिया हुआ है, तो अगर आपको वाइड शॉट खींचना है तो इस बटन का आप उपयोग कर सकते हैं वाइड एंगल शॉट्स के लिए। कैमरा का जो एप्लीकेशन है उसमें ये इंटरेस्टिंग फीचर है, इस आइकन को टैप करते ही वो एनेबल हो जाता है और वो है सैमसंग मॉल। इस फीचर का उपयोग करके आप कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसे शूट कर सकते हैं ये स्मार्टफोन का कैमरा का उपयोग करके। और उदाहरण के तौर पे ये देखिए ये जो पेंसिल बॉक्स है इसे मैं शूट करता हूँ और फिर आपको जो बटन है
उसे प्रेस करना है और उसके बाद में ये जो एप्लीकेशन है ऑटोमेटिकली जो भी ऑब्जेक्ट है उसे नेट पर सर्च करेगा और आपको ऑप्शंस दिखाएगा। ये देखिए, तो वैसे टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका लिस्टिंग आपको दिख जाएगा और अगर आप चाहें तो शॉपिंग भी कर सकते हैं। ये कुछ सैम्पल्स हैं जो मैंने इसी हैंडसेट से खींचा हुआ है। ये हाइड्रेंट का शॉट है, ये मैंने वाइड एंगल जो मोड है उसमें खींचा हुआ है और ये नॉर्मल मोड में खींचा हुआ है। अब जब कभी आप लाइव फोकस का उपयोग करते हैं तो उसके लिए जो सब्जेक्ट है, मतलब कि एक फेस होना चाहिए, आप कोई जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर लाइव फोकस का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो अगर फेस होगा तो बैकग्राउंड ब्लर होगा, अन्यथा नहीं होने वाला है। ये पोर्ट्रेट शॉट है, लाइव फोकस जो मोड है उसका उपयोग करके खींचा हुआ है। ये लॉन्ग शॉट है और यही शॉट को अगर मैं वाइड एंगल मोड में खींचता हूँ तो ये देखिए इस प्रकार का आता है। कैमरा की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है लेकिन जो एज डिटेक्शन है उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ये है सेल्फी शॉट, सेल्फी भी काफ़ी बढ़िया खींच लेता है और सेल्फी में भी आपको पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन मिलता है, मतलब कि जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो जाता है। अगर लो लाइट शॉट की बात करें, इसमें 1.7 का अपर्चर है तो लो लाइट शॉट काफ़ी बढ़िया आ जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए अब वीडियो चेक करते हैं। ये वीडियो मैं 1080p रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये वीडियो मैं 1080p रेजोल्यूशन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेकिन ये वाइड मोड में है। वीडियो की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, फोकसिंग फास्ट है। यहाँ पर मैं वाइड एंगल मोड में हूँ और चल के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देख सकते हैं कि स्टेबलाइजेशन नहीं है और ऐसा ही सेम किस्म का जो शॉट है ये मैं चल के रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेकिन नॉर्मल मोड में। कैमरा की क्वालिटी अबाव एवरेज है। ये है एंटीटू बेंचमार्क स्कोर, मुझे मिला 1,07,000 के आसपास, जो कि अगर आप इसे गैलेक्सी M10 से कंपेयर करें तो काफ़ी बढ़िया है। चलिए अब पबजी गेम खेल के देखते हैं, उससे हमें बेहतर आइडिया मिल जाएगा कि ये हैंडसेट का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है। तो ये है पबजी गेम और देख सकते हैं कि जो गेमिंग टूल है ये ऑप्शन एनेबल हो जाता है जब कभी आप कोई गेम खेलते हैं, इससे जो एक्सपीरियंस है बेहतर हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट बैलेंस्ड और मीडियम मोड में है, मैं इसे HD और हाई मोड में सेट कर लेता हूँ। जो ग्राफिक्स क्वालिटी है उसे मैंने सेट कर दिया है और इस मोड पर ये जो गेम है अच्छी तरीके से चल रहा है। लेकिन जो डिफ़ॉल्ट ग्राफिक्स मोड है अगर आप उसी में रहेंगे तो आपको और भी बेहतर एक्सपीरियंस मिल जाएगा। गैलेक्सी M10 में एक्जिनो 7870 ऑक्टाकोर प्रोसेसर का उपयोग किया गया है जबकि गैलेक्सी M20 में 7904 ऑक्टाकोर प्रोसेसर का उपयोग किया गया है। और ये जो 7904 प्रोसेसर है ये काफ़ी बेहतर है, आपको बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी बढ़िया है। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि सैमसंग ने जो नए UI का उपयोग किया है इस हैंडसेट पर काफ़ी लाइट वेट है और आपको एक बहुत ही बेहतर एक्सपीरियंस देता है, फास्ट है और एक तरह से प्रीमियम फील भी आपको मिलता है। M20 का जो स्क्रीन है ये थोड़ा सा अलग है, ये 6.3 इंचेस का स्क्रीन है और इस पर फुल HD+ रेजोल्यूशन है। मैं जो ग्राफिक्स क्वालिटी है उसे डिफ़ॉल्ट पर लेके आता हूँ बैलेंस्ड और मीडियम में। अगर आपको पबजी गेम पसंद है तो आप इसी मोड पे खेलिए, आपको बेहतर एक्सपीरियंस मिल जाएगा, स्मूदर एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अब गैलेक्सी M10 और गैलेक्सी M20 दोनों ही हैंडसेट्स विद विन L1 सपोर्ट करते हैं, मतलब कि अगर आप नेटफ्लिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको जो क्वालिटी है वो इन हैंडसेट पर और भी बेहतर मिलेगी क्योंकि ये विडोविन L1 सपोर्ट करता है। ये गेम मैंने काफ़ी देर तक खेला था, हैंडसेट हीटअप नहीं होता है, जो हीटअप है काफ़ी कंट्रोल में है। इस हैंडसेट में 5000 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी है, मतलब कि अगर आप सिर्फ बैटरी परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको आसानी से 2 दिन का बैटरी लाइफ, उससे ज़्यादा भी जा सकता है, मिल सकता है, आपके यूसेज पैटर्न पर डिपेंड करता है। और अच्छी बात यह है कि सैमसंग ने फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया हुआ है, मतलब कि फुल चार्ज के लिए आपको तकरीबन 150 मिनट के आसपास लग जाएंगे। और मान लीजिए कि बैटरी पूरा ड्रेन हो गया है, आप 15 मिनट चार्ज करते हैं तो 15 मिनट का जो चार्ज है उसमें आपको तकरीबन 3 घंटे का टॉक टाइम मिल जाएगा। साउंड आउटपुट लाउड और क्लियर है, नेटवर्क्स का मुझे कोई भी इशू नहीं आया। तो ये जो गैलेक्सी M20 स्मार्टफोन है ये गैलेक्सी M10 से तो काफ़ी बेहतर है। इसकी खासियत, जो सबसे बड़ी खासियत है वो है बैटरी, 5000 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी जो आपको बहुत ही बढ़िया बैटरी लाइफ देती है। कैमरा क्वालिटी जो है वो अबाव एवरेज है और जो एज डिटेक्शन है उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, हो सकता है कि जो अगला अपडेट आएगा उसमें वो जो इशू है फिक्स किया जाएगा। गैलेक्सी M20 और गैलेक्सी M10 पर जो स्क्रीन है उस पर ड्रैगन ट्रेल प्रो प्रोटेक्शन दिया हुआ है। तो ये है सैमसंग गैलेक्सी M20 स्मार्टफोन, अच्छा स्मार्टफोन है
और इसकी कीमत है 13,390 रुपये। वैसे इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो मैंने वीडियो के टाइटल में दिया हुआ है। तो आपको क्या लगता है, हैंडसेट का परफॉर्मेंस कैसा है, प्राइस कैसा है, आपकी राय मुझे ज़रूर दीजिए कमेंट्स के माध्यम से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसे भी एनेबल कर दीजिए और देखते रहिए।